सब्सक्राइब कीजिए पॉलिटेक्निकल्स को और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निकल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको दिखाऊंगा सेकेंडरी डीएनएस कैसे सेटअप करते हैं लिनक्स में। मैंने प्राइमरी डीएनएस पहले एक बार बना के आपको वीडियो अपलोड कर दिया था, डिस्क्रिप्शन में वीडियो आप देख लीजिए। आज मैं दिखाऊंगा आपको सेकेंडरी डीएनएस कैसे सेटअप करते हैं। तो ये मेरा प्राइमरी डीएनएस सर्वर है जो लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कैसे कन्फिगर किया है। अभी क्या करूँगा, जो प्राइमरी डीएनएस सर्वर है उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है सेकेंडरी डीएनएस का, उसके बाद हम लोग सेकेंडरी डीएनएस सेटअप करेंगे। तो ये रूट में लॉगिन कर लेता हूँ पहले। अभी मैं होस्ट नेम देख लेता हूँ मेरा क्या है। हाँ, टेस्ट डॉट पॉलिटेक्निकल्स डॉट कॉम, ये मेरा प्राइमरी डीएनएस है, उसका होस्ट नेम टेस्ट डॉट पॉलिटेक्निकल्स डॉट कॉम है। अभी नेक्स्ट क्या करूँगा, मैं जो नेम डॉट कॉन्फ फाइल है उसमें जाके कुछ एडिट करूँगा और उसमें एंट्री करूँगा सेकेंडरी डीएनएस सर्वर का। तो नेम डॉट कॉन्फ में जाके यहाँ पे देखिए मैंने दो जोन क्रिएट किया हुआ है प्राइमरी डीएनएस का, और यहाँ पे प्राइमरी डीएनएस का आईपी वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पे नीचे आके ये देखिए अलाउ क्वेरी के नीचे यहाँ पे अलाउ क्वेरी के नीचे मुझे एक लाइन लिखना पड़ेगा सेकेंडरी डीएनएस के लिए, अलाउ ट्रांसफ़र, अलाउ हाइफ़न ट्रांसफ़र, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद लोकल होस्ट। लोकल होस्ट या फिर आईपी दे सकते हैं 127.0.0.1 सेमीकोलन, उसके बाद सेकेंडरी डीएनएस सर्वर का आईपी। मेरा सेकेंडरी डीएनएस सर्वर का आईपी है 192.168.80.130, ये मेरा सेकेंडरी डीएनएस का आईपी, और ब्रैकेट क्लोज और सेमी कॉलन, लास्ट में सेमी कॉलन देना मत भूलना दोस्तों। ये 130 जो आईपी है मेरा सेकेंडरी डीएनएस का आईपी है। अभी इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मुझे मैं अभी सेकेंडरी डीएनएस में जाके बाकी कॉन्फ़िगरेशन करूँगा। अभी नीचे देख लीजिए जो मैंने प्राइमरी डीएनएस के लिए ये दो जोन क्रिएट करके रखा है, तो सेकेंडरी डीएनएस में क्या होगा, मास्टर्स जो टाइप जो मास्टर है उसकी जगह स्लेब होगा। सेव कर लेता हूँ। अभी नेक्स्ट जो मुझे करना है वो नेम सर्विस को रिस्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया है मैंने। ओप्स, ये गलत, सिस्टम जीटीएल रीलोड नेम्ड, रिस्टार्ट कर सकते रीलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जॉब फॉर नेम सर्विस इनवैलिड, ओके एक्चुअली मेरा सर्वर मैंने बंद कर दिया था तो उसके बाद स्टार्ट करूँगा नेम सर्विस। अभी एक्चुअली जब मैंने एक्चुअली एनेबल नहीं किया था नेम सर्विस को, एनेबल करने से ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। अभी एनेबल करके रख देता हूँ। एनेबल नहीं करने से क्या होगा, जब भी रिस्टार्ट होगा मशीन तब वो नेम सर्विस बंद हो जाएगा। अभी फायरवॉल को डिसेबल कर देता हूँ, फायरवॉल सर्विस को, और उसको स्टॉप कर देता हूँ। अभी इसको स्टार्ट करूँगा या फिर ये देखिए स्टेटस में एरर नेटवर्क अनरीचेबल। अच्छा, एक बार फिर से इसको रिस्टार्ट करता हूँ सर्विस को, रिस्टार्ट करके देखता हूँ। नेटवर्क सर्विस तो ठीक ठाक ही चल रहा है, नेम सर्विस को फिर से एक बार रिस्टार्ट करके देखता हूँ। ओह सॉरी, ये तो नेटवर्क सर्विस का स्टेटस दिखा दिया नेम्ड। हाँ अभी देखिए रिस्टार्ट करने के बाद अभी ठीक ठाक चल रहा है, रीलोड करने के बाद या फिर स्टार्ट करने के बाद ठीक नहीं चल रहा था, अभी रिस्टार्ट कर दिया अभी ठीक चल रहा है। अभी नेक्स्ट जाऊँगा मैं सेकेंडरी डीएनएस सर्वर में, ये मेरा और एक सेंटोस सर्वर है जिसको मैं बनाऊँगा सेकेंडरी डीएनएस सर्वर। ये नाम मैंने डीएचसीपी देकर रखा है उस सर्विस का सर्वर का। अभी आईपी देख लेता हूँ उसका, ये देखिए 192.168.80.130, ये मैं अपना सेकेंडरी डीएनएस सर्वर बनाऊंगा इसको।
अभी देख लेता हूँ उस पर नहीं। एक बार इसका जो इथरनेट पोर्ट है, इथरनेट में वो जाके देखता हूँ उसका आईपी कॉन्फ़िगरेशन क्या किया हुआ है। यहाँ पे आईपी एड्रेस 130, डीएनएस 1.128, गेटवे 80.8। हाँ ठीक है, सेटिंग ठीक है। अभी इसमें मैं रेपो देख लेता हूँ ठीक ठाक है कि नहीं। रेपो ठीक होने से मुझे कुछ पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जो सेकेंडरी डीएनएस है उसमें। तो ये हम इंस्टॉल जो बाइंड पैकेज है उसको फिर से मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा सेकेंडरी डीएनएस में। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा इंस्टॉलेशन। ये इंस्टॉल हो रहा है जितना भी पैकेज है बाइंड का। यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो गया इंस्टॉलेशन, जितना भी बाइंड का पैकेज है सब। ये देखिए इंस्टॉलेशन कंप्लीट, जितना भी पैकेज है बाइंड का उसका। अभी नेक्स्ट क्या करूँगा, नेक्स्ट में ETC के अंदर जो नेम डॉट कॉन्फ है उसमें जाऊँगा, उसमें जाके सेटअप करूँगा, क्योंकि उसमें मुझे प्राइमरी या प्राइमरी जो मेरा DNS है उसका कुछ डालना पड़ेगा। और उसमें एक्चुअली प्राइमरी DNS नहीं, मुझे सेकेंडरी DNS का IP और जहाँ से क्वेरी रिजॉल्व करेगा वहाँ का IP या फिर एनी देने से एनी IP। तो ये मेरा सर्वर का IP मैंने दे दिया यहाँ पे 80.130। नीचे आके अलाउ क्वेरी पे मैं जोन दे सकता हूँ पूरा 192.168.80.0 पूरा जोन को, और नहीं तो एनी दे सकता हूँ। तो मैंने प्राइमरी में एनी दिया है तो सेकेंडरी में मैं एनी सेट करता हूँ। तो अभी यहाँ पे रिकर्शन प्राइमरी में मैंने नो किया था तो सेकेंडरी में भी नो करके देखता हूँ। और यहाँ पे मुझे जोन सेटअप जो है वो मुझे जोन सेटअप करना पड़ेगा यहाँ पे। तो पहले जैसे प्राइमरी DNS में मैंने दिखाया था कैसे कहाँ से मैं वो जो फॉर्मेट है कॉन्फ़िगरेशन वाला लाता हूँ, तो ये नेम डॉट ETC के अंदर नेम डॉट RFC 1912.zones, इस फाइल में मुझे पूरा जोन का जो कॉन्फ़िगरेशन सेटअप है वो मिल जाएगा। तो वहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा, इस फाइल से मैं प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों जोन का कॉपी कर लूँगा। यहाँ पे मैं नया टैब ओपन कर लेता हूँ तो मुझे अच्छे मेरे लिए अच्छा होगा कॉपी करने में। अभी यहाँ पे मुझे नेम डॉट कॉन फाइल में जाना पड़ेगा ETC के अंदर। वहाँ पे जाके जो मेरा जोन है मतलब नीचे जो यहाँ पे मुझे जोन का एंट्री करना पड़ेगा, तो पहले मैं पेस्ट कर देता हूँ जो कॉपी के आपका फॉरवर्ड जोन के लिए। ये फॉरवर्ड जोन का मैंने कॉपी कर लिया। अभी नेक्स्ट रिवर्स जोन का भी मैं कॉपी कर लूँगा। ये फाइल रिवर्स जोन के लिए है, जो लूपबैक का फाइल है रिवर्स रिवर्स जोन के लिए है, और जो डॉट नेम डॉट लोकल होस्ट फाइल है वो फॉरवर्ड जोन के लिए है। तो ये पेस्ट कर दिया। अभी इसमें सेटअप करूँगा, जैसे कि प्राइमरी DNS पे मैंने सेटअप किया था DNS नेम वगैरह का एंट्री यहाँ पे किया था, तो यहाँ पे सेम वैसे ही करूँगा। लेकिन इसमें थोड़ा चेंजेस रहेगा कॉन्फ़िगरेशन में। पहले तो यहाँ पे लोकल होस्ट हटा के मैं अपना DNS का नाम डाल दूँगा। मेरा DNS का नाम है polytechnicals.com। जैसे कि मैंने देखिए प्राइमरी DNS में मैं दिखाता हूँ आपको, मेरा DNS का नाम मैंने क्या डाला है, etc.name.conf। ये मेरा प्राइमरी DNS है जो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था। यहाँ पे देखिए polytechnicals.com और उसका IP। IP मतलब सिर्फ नेटवर्क आई पी, होस्ट IP को नहीं देना है, नेटवर्क IP तक रखना है। तो यहाँ पे मैं अपना डोमेन नेम डाल देता हूँ polytechnicals.com। जूम थोड़ा जूम कर ले से, अभी अच्छे से दिखाई देगा आपको। अभी यहाँ पे लिखूंगा polytechnicals.com जो मेरा DNS नेम है।
अभी जो यहाँ पे टाइप है, यहाँ पे मास्टर लिखा हुआ है, लेकिन स्लेब ये तो सेकेंडरी डीएनएस है, तो इसके लिए स्लेब होगा। और जो फाइल है, फाइल के आगे स्लेब्स स्लैश और जोन का नाम, तो प्राइमरी डीएनएस में मैंने जोन का नाम दिया पॉलटेक डॉट एफ डब्ल्यू डॉट जोन फॉरवर्ड जोन के लिए, तो सेम वही नाम दूंगा मैं, लेकिन ये सेकेंडरी डीएनएस है इसलिए स्लेब्स स्लैश पॉलटेक टेक डॉट एफ डब्ल्यू डॉट जोन। और यहाँ पे अलाउ अपडेट को मैं डिलीट करके यहाँ पे डालूँगा मास्टर्स, मतलब उसका जो प्राइमरी डीएनएस है उसका आईपी यहाँ पे डालना पड़ेगा मुझे, तो मास्टर्स में जाके मैं डालूंगा प्राइमरी डीएनएस का आईपी 192.168.80.128 जो मेरा प्राइमरी डीएनएस का आईपी है। सेम उसी तरह अभी यहाँ पे जाके मैं वो आईपी यहाँ पे तीन डिजिट का आईपी डालूंगा 80.168.192, ये रिवर्स में जाएगा ये आईपी, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। और यहाँ पे टाइप की जगह स्लेब, मास्टर की जगह स्लेब होगा क्योंकि ये सेकेंडरी डीएनएस है। और यहाँ पे स्लेब्स स्लैश जो रिवर्स जोन का जो फाइल का नाम होगा पॉलटेक डॉट आर ई वी डॉट जोन, जो मैंने प्राइमरी डीएनएस के लिए भी सेम नाम दिया था। और सेम उसी तरह नीचे है मास्टर्स और उस प्राइमरी डीएनएस का आईपी, अभी इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। ये दोनों एंट्री कर दिया मैंने, अब इस सर्विस को मैं स्टार्ट करता हूँ। जो नेम सर्विस है डीएनएस के लिए यूज़ होता है उसको मैं स्टार्ट करूँगा, उससे पहले फायरवॉल को बंद कर देता हूँ और उसको डिसेबल भी कर देता हूँ फायरवॉल को। अभी क्या करूँगा, अभी मैं नेम सर्विस को स्टार्ट करूँगा, स्टार्ट नेम्ड, अभी स्टार्ट हो गया। अभी एक चीज़ है, उससे पहले एनेबल कर मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे स्लैश इट इज स्लैश फॉर स्लैश नेम के अंदर पहले हम लोग का प्राइमरी डीएनएस में क्या था, जो हम लोग का जोन फाइल था, लेकिन यहाँ पे हम लोग सेटिंग में क्या देते स्लैश स्लेब्स, मतलब स्लेब्स स्लैश, तो यहाँ पे देखिए स्लेब के अंदर, एक सेकंड फिर से मैं दिखा देता हूँ, वार नेम के अंदर देखिए अभी स्लेब बोल के एक फोल्डर क्रिएट हो गया है, क्योंकि ये सेकेंडरी डीएनएस है तो इसलिए ये फोल्डर क्रिएट हो गया, तो इस फोल्डर के अंदर जाके मैं देखता हूँ, यहाँ पे एक ही फाइल दिखा रहा है, दो फाइल दिखाना चाहिए था फॉरवर्ड और रिवर्स जोन के लिए, लेकिन सिर्फ रिवर्स जोन का फाइल दिखा रहा है, तो कॉन्फ़िगरेशन में शायद कुछ गलती होगा मेरा, तो मैं वो देख लेता हूँ। नेम डॉट कॉन्फ पे जाके यहाँ पे जो मेरा देखिए डोमेन का जो स्पेलिंग है वो ठीक ठाक ठीक से नहीं हुआ है, पॉलिटेक्निकल जो स्पेलिंग है वो गलत लिखा है, तो इसको ठीक कर देता हूँ। और बाकी सब ठीक है, सिर्फ डोमेन नेम गलत हुआ था। अभी फिर से रिस्टार्ट करता हूँ नेम सर्विस को, अभी देखता हूँ उस फाइल में जाके स्लेब्स के अंदर जाके, ये देखिए दो फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया फॉरवर्ड और रिवर्स जोन के लिए, वो इस फाइल में जो एंट्री है वो कहाँ से लिया एंट्री, वो जो प्राइमरी डीएनएस है उससे एंट्री लिया, ऑटोमेटिकली ले लिया उसने। अगर आपका प्राइमरी डीएनएस का सेटिंग ठीक नहीं होता तो यहाँ पे नहीं लेता ये, एक बार देख यहाँ पे देखने से आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे जी एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है इसलिए ठीक से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो फिलहाल सेकेंडरी डीएनएस का सेटिंग हो गया, अभी इसको मैं एनेबल कर देता हूँ, सॉरी एक बार स्टेटस देख लेता हूँ। हाँ यहाँ पे देखिए स्टेटस में सब रनिंग है, मतलब सेटिंग आपका ठीक है, कोई भी इशू नहीं है सेटिंग्स में, सब ठीक ठाक चल रहा है। अभी एक बार टेस्ट करके देखूँगा मैं एन एस लू का भी फिर डिक करके कि मेरा रिजॉल्व हो रहा है कि नहीं, दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी डी एन एस वो दोनों यहाँ पर शो कर रहा है कि नहीं।
तो डिक हाइफन एक्स, एक बार आईपी देखे देखता हूँ डिक में, ऐसे तो डिक में आईपी से रिजॉल्व नहीं होता है। यहाँ पे दिखा रहा है लेकिन एक्यूरेट दिखा नहीं रहा है। अभी नेम से करता हूँ polytechnicals.com। यहाँ पे देखिए, लेकिन मेरा सेकेंडरी DNS का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा रहा है, तो मतलब सेटिंग में कुछ गड़बड़ हुआ है, सेटिंग ठीक से नहीं हुआ है। इसलिए फिर से NS लुकअप करके देखता हूँ दोनों रिजॉल्व हो रहा है कि नहीं। ये प्राइमरी तो रिजॉल्व हो रहा है अच्छे से, सेकेंडरी नहीं हो रहा है। सेकेंडरी में भी प्राइमरी दिखा रहा है, रिजॉल्व नहीं हो रहा है। तो किस लिए नहीं हो रहा है मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा। name.conf पर जाके देखता हूँ कुछ गलती, या फिर resolve.conf में। यहाँ पे मैं नेम सर्वर का एंट्री कर देता हूँ सेकेंडरी का, प्राइमरी का एंट्री किया हुआ है। ये मेरा 130 मेरा सेकेंडरी DNS का IP है। अभी फिर से रिस्टार्ट करके देखता हूँ। गॉट रिकर्शन नॉट अवेलेबल, ट्राइंग नेक्स्ट सर्वर, अभी भी नहीं हो रहा है। प्राइमरी DNS में देखता हूँ, इसमें शायद कुछ सेटिंग्स डालना पड़ेगा मुझे सेकेंडरी DNS का। name.conf में ठीक है सब कुछ। रिकर्शन नो ही है, ठीक है, सेव कर देता हूँ उसको। नेम सर्विस को रिस्टार्ट करता हूँ, उसका स्टेटस देखता हूँ उसमें क्या दिखा रहा है। इसमें तो ठीक ही दिखा रहा है, कोई एरर नहीं दिखा रहा है। NS lookup करके देखता हूँ। 192.168.80.130 नहीं हो रहा है, सेम इशू दिखा रहा है। कुछ सेटिंग्स मिसिंग है, वो क्या है यहाँ पे मुझे लगता है शायद, हाँ, मैंने जोन फाइल में सेकेंडरी DNS का कुछ एंट्री नहीं किया था, तो मैं देख लेता हूँ। मैं प्राइमरी DNS में जो जोन फाइल क्रिएट किया, मैंने फॉरवर्ड जोन और रिवर्स जोन का जो फाइल क्रिएट किया है, उसमें मैंने शायद सेकेंडरी DNS का एंट्री नहीं किया है। तो ये भी एक स्टेप है, आप लिख लीजिए कि प्राइमरी DNS में आपका जोन सेटिंग है उसमें जाके, यहाँ पे देखिए मैंने सेकेंडरी DNS का कोई एंट्री नहीं डाला है, तो इसीलिए ये एरर दिखा रहा है। तो अभी नेम सर्वर डाल देता हूँ सेकेंडरी DNS का। तो मेरा सेकेंडरी DNS का तो नेम जो नाम है वो DHCP, यस, DHCP.polytechnicals.com, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेम नाम डाल दूँगा, DHCP.polytechnicals.com, और लास्ट में डॉट दूंगा फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन के लिए। नीचे उसका IP भी डाल दूंगा, @IN मतलब इंटरनेट, ए होस्ट फाइल में जो एंट्री होता है, होस्ट का एंट्री होता है ऐसे, जिसका IP होस्ट का IP एंट्री करने से। अभी देखिए DHCP जो नेम है उसका डाल देता हूँ, और इसका IP 192.168.130। अभी इस फाइल को सेव कर देता हूँ। अभी रिवर्स जोन में जाके, रिवर्स जोन का जो फाइल है उसमें भी जाके मुझे सेटअप करना पड़ेगा। यहाँ पे भी मैं एंट्री कर देता हूँ मेरा सेकेंडरी DNS का, @INNS और DHCP.polytechnicals.com। अभी नीचे IP डाल देता हूँ उसका, @INA 192.168.80.130, जो मेरा सेकेंडरी DNS का IP है। अभी यहाँ पे जो पॉइंटर डालूँगा उसका 130 INPTR, और अभी यहाँ पे देखिए मैंने polytechnicals.com डाला है, तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट सर्वर के नाम से भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्वर के नाम से डाल देता हूँ, जैसे कि मैं test.polytechnicals.com और DHCP.polytechnicals.com, और इस फाइल को सेव कर देता हूँ, और नेम सर्विस को फिर से रिस्टार्ट करता हूँ।
रिस्टार्ट नेम्ड, रिलोड कर भी रिलोड कर सकते हैं, बस स्टेटस देख लेता हूँ रिलोड करने के बाद वो इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ है, लेकिन कुछ एरर दिखा रहा है। ठीक है, मैं रिस्टार्ट करता हूँ नेम सर्विस को, नेम सर्विस को रिस्टार्ट। अभी स्टेटस चेक करने से शायद नहीं दिखाएगा, हाँ ये देखे, तो रिलोड से नहीं होता है, रिलोड से रिफ्रेश नहीं होता है मतलब वो पूरा सर्विस, तो इसलिए रिस्टार्ट करना पड़ता है। अभी इसमें भी एक बार मैं डिक करके इसमें नेम सर्विस फिर से रिस्टार्ट कर देता हूँ ताकि वो रिफ्लेक्ट हो जाए मेरा सेकेंडरी जोन का बाकी जोन फाइल है उसमें, उसका स्टेटस देख लेता हूँ ये एरर है कि नहीं। नहीं, यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है। अभी मैं एनएस लुकअप या फिर डिक करके देखूँगा, तो एनएस लुकअप आपका ये, हाँ यहाँ पे देखिए अभी रिजॉल्व हो गया, सेकेंडरी DNS भी हम लोग का रिजॉल्व हो गया। अभी प्राइमरी DNS यहाँ से टेस्ट करता हूँ, ये तो ऑलरेडी रिजॉल्व हुआ हुआ है। अभी डिग आपका नेम से करके देखता हूँ polytechnicals.com क्या दिखाता है। अभी देखिए यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी दोनों IP दिखा रहे हैं। अभी फिर से एक बार चेक करता हूँ, डिक करके देखिए यहाँ पे अभी अभी पूरा दिखा रहा है प्राइमरी DNS, सेकेंडरी DNS का IP, प्राइमरी DNS और सेकेंडरी DNS का सर्वर का नेम और उसका IP एक साथ। तो अभी जाके क्या हुआ, प्राइमरी और सेकेंडरी DNS दोनों अच्छे पूरा परफेक्टली कन्फिगर हुआ है और दोनों पूरा रिजॉल्व हो रहा है। कोई भी दूसरा मशीन से मैं आपको टेस्ट करा के दिखाऊंगा कि दोनों सर्वर रिजॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर NS लुकअप करके ये प्राइमरी DNS है मेरा, इससे एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ देखिए यहाँ से भी रिजल्ट हो रहा है प्राइमरी DNS सर्वर से। अभी ये एक दूसरा एक मशीन है जो अलग है, प्राइमरी सेकेंडरी DNS नहीं है, तो इससे एक बार मैंने डिग और NS लुकअप करके देखता हूँ इससे रिजल्ट हो रहा है कि नहीं। तो डिग polytechnicals.com, नो सच फाइल डायरेक्टरी, ओके इस सर्वर में शायद कुछ प्रॉब्लम है सर्विसेज का। फिर से मैं पिंग करके देख लेता हूँ दोनों सर्वर पिंग हो रहा है कि नहीं, हो रहा है, हाँ पिंग तो हो रहा है, ओके इस सर्वर में शायद कुछ सर्विसेज का प्रॉब्लम है, मैं दूसरा सर्वर में आपको दिखाऊंगा, तब तक मैं पोस्ट कर देता हूँ वीडियो। ये मेरा दूसरा सर्वर है, ये एक एज ए क्लाइंट यूज़ कर रहा हूँ, ये एक नॉर्मल एक सेटअप है मतलब एक नॉर्मल मशीन है। तो उससे क्या करूँगा, अभी दोनों सर्वर को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा कि रिजॉल्व हो रहा है कि नहीं, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सर्वर को इससे मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा, नेम से भी और IP से भी। तो रूट में चला जाता हूँ, नहीं जाने से भी होता फिर भी ठीक है, रूट में चला गया। अभी पिंग करके देखता हूँ पिंग हो रहा है कि नहीं दोनों सर्वर, ये प्राइमरी है ये पिंग हो रहा है। अभी सेकेंडरी को भी देखता हूँ, अभी एक बार डिक से रिजॉल्व करा लेता हूँ। यहाँ पे देखिए रिजॉल्व नहीं हो रहा है, रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो कुछ तो प्रॉब्लम है, देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है। NS लुकअप करके एक बार देखता हूँ, इससे भी अच्छा, ओके उसका DNS एंट्री नहीं दिया हुआ है जो क्लाइंट से मैं
दोनों सर्वर को रिजर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सर्वर का आईपी मेरे क्लाइंट ने नहीं दिया हुआ है, वो ग्लोबल से ट्राई कर रहा था रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि मेरा सर्वर ये तो मैंने वीएम में सेटअप किया है और इसका ग्लोबल में रजिस्टर नहीं किया गया है, इसलिए रिजॉल्व नहीं हो रहा है। अभी इसका डीएनएस में चेंज कर देता हूँ, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों डीएनएस की एंट्री दे दूँगा। प्राइमरी देने से भी होता, फिर भी मैं सेकेंडरी भी दे देता हूँ, दोनों की एंट्री देकर उसका अप्लाई कर देता हूँ। नेटवर्क डिजेबल एनेबल, ओके। अभी देखता हूँ डिग या फिर एनएस लुकअप करके ले रहा है कि नहीं। अभी देखे दोनों ले रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी का आईपी ले रहा है। अभी डिग करके देखता हूँ और डिग, अच्छा एक्स से नहीं होता है। डिग पॉलिटेक्निकल्स डॉट कॉम, यहाँ पे देखिए प्राइमरी सेकेंडरी दोनों सर्वर्स सर्वर दिखा रहा है, सर्वर का नेम भी दिखा रहा है, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम दिखा रहा है, डोमेन नेम दिखा रहा है, और एक एक सर्वर का आईपी के साथ, मतलब कौन सा सर्वर प्राइमरी सर्वर का आईपी, कौन सा सेकेंडरी सर्वर का आईपी, दोनों दिखा रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों ऐसा है, सेकेंडरी डीएनएस सर्वर आप सेटअप कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे से रिजॉल्व भी हो जाएगा दूसरे मशीन से और दूसरा क्लाइंट से। मैंने आपको रिजॉल्व करना आपके दिखा दिया। आपका मन में कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उस डाउट को क्लियर करूँगा। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे आपको लिनक्स ट्यूटोरियल्स वीडियो देता रहूँगा। धन्यवाद।